के बारे में बात करते हैं तो मृदा संरक्षण का जो अध्ययन होता है हम संस्तर कहेंगे, यानी कि एक स्तर लेयर, लेयर शब्द से जोड़ सकते हैं इसको, इसको हम इंग्लिश सोयल कंपोनेंट एंड प्रोफाइल कहते हैं। इसका इंग्लिश में नाम है सोयल कंपोनेंट एंड प्रोफाइल, ठीक है। अब सोयल कंपोनेंट जो होती है, मृदा संस्तर जो होती है वो परिच्छेदिकाओं के रूप में अगर हम बात करें तो मृदा में लेयर्स पाई जाती है। उन लेयर्स के आधार पर ही हम मिट्टी को विभाजित करते हैं कि कौन सी मिट्टी कैसी है। अब हम बात करते हैं तो इसका जो अध्ययन किया जाता है संस्तर का वो लंबसम रूप में किया जाता है। लंबा रूप में क्योंकि जो मृदा होती है वो इस तरह की लेयर में बनी होती है और इसको हम किस तरह से अध्ययन करते हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो वो कहलाता है हमारा संस्तर, ठीक है। अब इस संस्तर को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ये संस्तर जो है दो भागों में पड़ता है, पहला आता है हमारा वनस्पति मंडल और दूसरा आता है मृदा मंडल। वनस्पति मंडल और दूसरा होता है हमारा मृदा मंडल। इस आधार पर हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। वनस्पति मंडल जो होता है इसमें वृक्ष झाड़ी सभी जो आते हैं, भूतल संस्तर सभी को सम्मिलित कर लिया जाता है, ठीक है। और जो हमारी इसमें मृदा मंडल में आती है तो अपरवर्ती और उपमृदा दो चीजें आती हैं, ऊपरीवर्ती मृदा और उपमृदा। ऊपरीवर्ती मृदा और उपमृदा ये दो आते हैं इसमें। वनस्पति में तो पेड़ पौधे सभी झाड़ियां आ जाती हैं, पेड़ झाड़ी, ठीक है, ये सब चीजें इसके संबंधित है, शॉर्ट में लिख दिया। अब आती है हमारा मृदा परिच्छेदिकाओं को, तो जैसे मैंने कहा मृदा परिच्छेदिकाएं जो होती हैं वो लंबवत संस्तर के रूप में हम पढ़ते हैं। मृदा परिच्छेदिका को कैसे पढ़ते हैं, लंबवत संस्तर में। और जो लंबवत संस्तर में जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें दो संस्तर पाए जाते हैं, पहला आता है हमारा जैविक संस्तर और दूसरा आता है हमारा खनिज संस्तर, ठीक है। दो होते हैं, पहला होता है हमारा जैविक संस्तर और दूसरा होता है खनिज संस्तर, ठीक है। अब जैविक से सबको क्लियर हो रहा होगा, जैविक में कौन सा आता है हमारा, जैविक जीव जंतु वाले होते हैं। अब इसमें हम किस चीज को शामिल करेंगे, जैसे मैंने कहा है हम लंबवत रूप में पढ़ते हैं, इसमें अगर हम इसको एक पेड़ बनाते हैं, ये पेड़ हो गया, ठीक है। अब पेड़ का ये जो है इसको बोलते हैं हम ओ। इसके बाद में पहले मैं बड़े डिवाइड बता रही हूँ, ए बी सी और डी, इस तरह से इसके चार डिवाइडेशन होते हैं। ओ संस्तर जो होता है इसको बोलते हैं हम जैविक संस्तर और बचे हुए संस्तरों को हम बोलते हैं खनिज संस्तर। इसमें अकार्बनिक और अजैविक खनिज शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें, अकार्बनिक और जैविक, दो प्रकार के खनिज इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, अकार्बनिक और जैविक। और ओ जो होती है उसे बोलते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक यानी कि जैविक। ये तत्व जो पाए जाते हैं वो इस तरह से होते हैं। अब हम बात करते हैं इन लेयर्स, जैसे मैंने कहा कि ये ओ है वो हमारी कैसी लेयर है, जैविक संस्तर कहलाता है। अब उस जैविक संस्तर की अगर बात करें तो ये सबसे, अब जो सबसे ऊपर का भाग दिख रहा है, ठीक है, अब इसका जो निर्माण होगा, अगर हम एक ही बात करें तो ये सबसे ऊपर का भाग है, तो इसका निर्माण जो होगा किससे होगा, मूल चट्टान से, ठीक है। अब मूल चट्टान में जैविक तत्वों का जो विकास होता है तो उसमें जो है ओ में हम दो तत्वों में बांटते हैं,
परिवर्तित अवशेष। मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि वहां हमारे समझ में कम आएगा, सब लेयर्स का लिख देती हूँ। ओवन, ओवन का मतलब है मूल चट्टान, मूल चट्टान और मूल खनिज और जैविक। हमें सब चीज में लिख देती हूँ। देखो अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो मिट्टी की उपस्थिति में क्या होता है, मिट्टी होती है, पत्तियां जो होती है वो अपने वास्तविक रूप में होती है, सूखी होती है, बस इतना अंतर होता है। और जो जैविक तत्व होते हैं वो भी सब वैसे ही होते हैं, कोई अगर जीव मरता है तो वो मिट्टी के ऊपर अपने अस्तित्व बनाए रखता है। जबकि O2 जो लेयर होती है, अगर हम O2 की बात करें तो इसमें जो है O1 के बाद में उसमें जो है रासायनिक क्रिया, खनिज क्रिया, सब क्रियाएं होती है। तो O1 में से O2 में आने में इनमें जो है मूल परिवर्तन शुरू हो जाता है, यानी परिवर्तित रूप किसका, मूल खनिज, मूल चट्टान और जैविक तत्वों का मूल रूपांतरण हो जाता है। और इसमें वियोजन और रूपांतरण दोनों क्रियाएं होती हैं, वियोजन और रूपांतरण। इन दोनों क्रियाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है और इसमें जो चीजें मिलती हैं वो पदार्थों के जीवावशेष होते हैं। ठीक है, अब क्लियर हो जीवावशेष है, यानी यहाँ पे जैविक अपने रूप में होते हैं, यहाँ पे उनमें वियोजन की क्रिया होती है, अपघटन की क्रिया होने लगती है और उसके द्वारा इनका रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ए खनिज की। ए लेयर का ही खनिज की बात तो कौन सी लेयर आती है, हमारी ए लेयर। ए लेयर में जो होती है इसको हम सामान्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, पहला आएगा हमारा A1, दूसरा आएगा हमारा A2। एक लेयर और बन जाती है A3, वो क्या होता है, ए और बी का एक संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, वो लेयर बनती है। उसमें ए की विशेषता और बी की विशेषता दोनों ही सम्मिलित की जाती है, तो वो चीज आ जाती है हमारी A3। ठीक है, तो अगर हम A1 की बात करें तो ये जो है A1 खनिज संस्तर की पहली परत, सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, अब मैं समझा देती हूँ, अब जरूरत नहीं लगती तो बता देती हूँ। देखो ये क्या है, हमारी जैविक परत। जैविक परत में हमारी ऊपर मूल चट्टानें हैं, यहाँ रूप परिवर्तन हुआ। ये क्या है, हमारी खनिज परत शुरू हो गई, बताया था ना, खनिज संस्तर कहलाता है। एक इसमें ओ आता है, सिर्फ इसमें ए से लेकर बी तक आता है। ठीक है, तो ए से मैं ए पैर ए वन क्या होता है, ये जो होता है खनिज की सबसे ऊपरी परत होती है और इसमें खनिज जैविक पदार्थ सभी पाए जाते हैं। और इसका जो रंग होता है इसमें क्या कहते हैं, खनिज बीच में लिख देती हूँ, समझ में आ जाएगा, खनिज और जैविक पदार्थ। ठीक है, इसका जो रंग होता है वो कैसा होता है, काला, क्यों, क्योंकि जैविक पदार्थ का ग्रहण क्रिया अधिक होती है। ठीक है, और जीवी घटनाएं अधिक होती है, जैविक घटक की जो ओ लेयर के जो जैविक तत्व वो ए लेयर तक पहुंच जाते हैं, इसीलिए से बोलते हैं जैविक क्रियाएं भी होती है। ठीक है, और हम A2 की बात करें तो इसमें खनिज तत्वों का अपवहन होता है, शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, खनिज अपवहन। ठीक है, यानी खनिज तत्व जो है बहने लगते हैं और अपक्षालन की क्रिया अपवहन मंडल कहते हैं इसे, यहाँ अप इसको बोलते हैं अपवाहन मंडल, यानी अपवहन हो रहा है इसीलिए से बोलेंगे हम अपवाहन मंडल। ठीक है, क्यों, क्योंकि खनिज तत्व की अपवहन की क्रिया हो रही है। तीसरी लेयर जो आती है वो होती है हमारी A3। A3 क्या होती है, उसमें A की जो है विशेषताएं अधिक पाई जाती है, B की विशेषताएं बहुत कम पाई जाती हैं, इसी लेयर का नाम रख दिया गया है A3। अगर हम B की बात करें तो B में भी वही कंड बनती है, B1 B2 और एक हो गई हमारी B3। ठीक है, B1, B2, B3 में अगर हम मोटे तौर पर बात करें तो
इसको बोलते हैं बी को, बी वन को बोलेंगे हम संक्रमण मंडल। ये भी संक्रमण टाइप का होता है, ये भी संक्रमण होता है, ठीक है, दोनों ही एक जैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही विशेषण शामिल होती है, इसमें बी कम होता है एक, यानी ए थ्री प्लस बी वन ऐसे लिख सकते हैं, या बी वन प्लस ए थ्री, यानी बी की विशेषता अधिक ए की कम, ये विशेषता यहाँ पाई जाती है। और ये जो होती है इसमें सभी प्रकार की मृदा परिक्षेत्रताओं में ये संस्कार जरूर होता है। कुछ में वो मैं आगे बताऊंगी कौन सी मृदा परिक्षेत्रता कौन सी होती है, वो सब इम्पोर्टेंट चीजें हैं। अब मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो ना चक्कर में बड़ी फेवरी पड़ रही है, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, ठीक है। तो ये संक्रमण मंडल में बी वन बी टू हो जाते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम, जो बी टू लेयर होती है इसको क्या कर पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम, यानी खनिज अधिक पाए जाते हैं। और ये लेयर सबसे अधिक पोषक तत्वों की मानी जाती है, क्यों? क्योंकि अपक्षारण उन्नयन, अभी आप बताऊंगी मैं सब्जी या लीची के द्वारा, इस पोषक लेवल में सबसे अधिक खनिज की और बहुलता रहती है, क्यों? क्योंकि जल के द्वारा ओवरलैपिंग होती है, तो खनिज यहाँ इकट्ठे होते हैं, और नीचे से पानी जो है ऊपर से नीचे जाता है तो भी यहाँ पर खनिज एकत्रित होते रहते हैं, क्यों? क्योंकि इससे नीचे की लेयर में सेल खंड मोटे होते जाते हैं, इसीलिए यहाँ महीन कण होने के कारण यहीं पर जमा होता रहता है, ठीक है। अब बात करें बी सी की, तो इसमें वही आएगी जो ए और बी में है, वही बी सी जी में आता है। सी में बात करें तो सी में जो होते हैं इसे बोलते हैं अधोस्तर, सी को क्या बोला जाता है, अधोस्तर। इसमें जो सेल कण है थोड़े मोटे होते हैं, यहाँ बहुत मोटे कण होते हैं और यहाँ पर सेल कण थोड़े से मोटे होते हैं, इससे महीन होते हैं लेकिन ऊपर वाले से मोटे होते हैं, ठीक है। इसमें आधार सेल का अपक्षय पदार्थ होता है, यानी आधार सेल ऊपर तो पाए जाते हैं मुख्य रूप से, यहाँ पे छह हो गए, अब आधार सेल अपक्षय, अपक्षय होता है यानी बहकर जो आती है आधार सेल, वो यहाँ पर थोड़े इकट्ठे होते हैं तो वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और विशेषता पूर्ण रूप से, यानी इसकी विशेषताएं ये पूर्ण रूप से प्रकृति है, जिसमें जीवाश्म की अभाव होता है, सिर्फ क्या होते हैं आधार सेल, जो मूल चट्टान है वो यहाँ पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं अधोस्तर। और जो डी होती है वो ये मुख्य कठोर आधार सेल होती है, ये कठोर होते हैं आधार सेल, ठीक है। मैं चट्टान नहीं लिख रही हूँ, सेल लिख रही हूँ, ये विशेष रूप से ध्यान रखना, यानी चट्टान लिखी तो वो संगठित होते, ये क्या है कठोर है लेकिन सेल है, सेल शब्द का अर्थ पता होगा कण, ठीक है। तो कण कैसे है, कठोर है, आधार सेल के रूप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ये है हमारा पूरा मिट्टी का संगठन, मिट्टी में कौन कौन सी लेयर्स होती है।